प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात कर रहे हैं वैदिक गणित के सूत्र एकादिकेन पूर्वेन के बारे में। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो लेक्चर में वैदिक गणित क्या है इसके बारे में बात की, और दूसरे वीडियो में हमने वैदिक गणित के सूत्रों के खोजकर्ता स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज के बारे में बात की, और तीसरा जो वीडियो था हमारा उसमें हमने बात की कि वैदिक गणित के 16 सूत्र क्या है और इनका क्या अर्थ है इसके बारे में बात की। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वैदिक गणित के सूत्र एकादिकेन पूर्वेन, जो सूत्र एक है एकादिकेन पूर्वेन, इसका जो प्रयोग है गणितीय प्रयोग, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं सूत्र एकादिकेन पूर्वेन की। अगर इसके अर्थ की बात करें तो ये हमने अपने पिछले वीडियो में भी बात की थी, तो इसका अर्थ क्या है, पूर्व या फिर पहले वाले से एक अधिक, एकाधिकेन, एक अधिकेन मतलब एक अधिक, पूर्वेन यानी कि पूर्व वाले से। तो जो इसका अर्थ हुआ वो है पूर्व या पहले वाले से एक अधिक। इंग्लिश में अगर लिखें तो इसको वन मोर देन द प्रीवियस वन या प्रीवियस नंबर भी कह सकते हैं, वन मोर देन द प्रीवियस वन यानी कि प्रीवियस वाले से एक ज्यादा, वन मोर एक ज्यादा। अब अगर इसके गणितीय प्रयोग की हम बात करें तो इसका गणितीय प्रयोग है किसी भी संख्या से अगली संख्या प्राप्त करना, वन मोर देन द प्रीवियस वन। अब अगर आपसे कहा जाए कि 67 का एकाधिकेन क्या होगा, 67 का एकाधिकेन होगा 67 में एक प्लस कर दो कितना हो जाएगा 68। यहां पूर्वेन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पूर्वेन हम 67 की बात कर रहे हैं, 67 की बात कर रहे हैं, तो इसमें प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा। तो 67 का एकाधिकेन हो गया 68। ठीक, इसी तरह से अगर हम बात करें 1005 का एकाधिकेन, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1005 में एक प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1006। तो ये हो गया हमारे पास 1005 का एकाधिकेन। तो ये इस जो सूत्र है हमारा एकाधिकेन पूर्वेन, उसका गणितीय प्रयोग हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, देखने में ये आपको ये बड़ा सिंपल सा लग सकता है और ऐसा लग सकता है कि इसमें तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन यहां पे जो एक सूत्र है, जैसे ये एक सूत्र है हमारे पास एकाधिकेन पूर्वेन, इसका जो प्रयोग है वो गणित के बहुत सारी समस्याओं को हल करने में किया जा सकता है। जैसे ये तो हमने इसका गणितीय प्रयोग देखा, अब इसका जो प्रयोग है जोड़ में, गुणा करने में, संख्याओं के वर्ग स्केयर करने में, एडिशन मल्टीप्लीकेशन स्केयर, और बहुत से तरीकों से किया जा सकता है। जैसे जैसे हमारी स्टडी आगे बढ़ती चलेगी, हम जो इसकी जो एप्लीकेशन है और ज्यादा उसके बारे में बात करते चलेंगे, क्योंकि एकदम अगर हम डिफिकल्ट पार्ट की बात करेंगे तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो बेसिक से स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और इनके और ज्यादा प्रयोग भी देखते चलेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि एकाधिकेन पूर्वेन जो सूत्र है उसका जो गणितीय अर्थ क्या है और किस तरह से वो प्रयोग होता है एक साधारण रूप में। यहां पे हमने देखा कि सामान्य रूप में अगर इसको देखें तो एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र का अर्थ हुआ किसी संख्या से अगली संख्या प्राप्त करना। अब हम देखते हैं कि जोड़ में, जोड़ करने में, एडिशन में इसको किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है, किस तरह से एडिशन में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो समझते हैं, जैसे ये हमें प्लस करते हैं, यहां पे हम एकाधिकेन का प्रयोग करके इसको किस तरह से प्लस करेंगे,
जो हमारा परंपरागत जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें तो सिंपली हम इन सबको प्लस करके कैरी आगे लेके जाते हैं, उस तरीके से करते हैं। और यहाँ पे एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र का हम प्रयोग करके अगर इसको प्लस करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही जोड़ 10 बन जाता है, जैसे ही जोड़ 10 बन जाता है, ये एक आगे चला जाएगा और जीरो जीरो हमारे पास रह जाएगा, और हमारे पास क्या रह जाएगा, जीरो रह जाएगा। फिर हम दोबारा से प्लस करते चलेंगे, 10 या 10 से ज्यादा बन जाता है, फिर इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। जैसे अगर हमारे पास 12 बन गया तो एक आगे चला जाएगा और दो को हम लेके और आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब इसको समझते हैं, यहां पे आप देखिए 6 और 6 12 बन गया ना, तो यहां पे हमारे पास 2 आ गया और जो एक है वो आगे चला गया। वो आगे मतलब एकाधिकेन पूर्वेन, पूर्व वाले में एक अधिक कर देंगे। अब एक अधिक करने का यहां पे अगर हम 5 लिखें तो वो थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, हमें मिटाना पड़ेगा, तो यहां पे हम एक डॉट लगा देते हैं, यानी कि इस डॉट का जो अर्थ है वो एक के बराबर है, ये जो डॉट है वो एक के बराबर है। तो रिपीट करते हैं, 6 और 6 12, 12 से हमने 2 रख लिया और एक आगे चला गया, 2 और 8 10, 10 से हमारे पास एक तो आगे चला गया और ये जीरो बच गया, जीरो में 2 प्लस करेंगे तो 2 आ गया हमारे पास। अब आगे आ जाओगे 4 और ये एक डॉट किसके बराबर है, एक के, 4 और एक 5, 5 और 4 9 और एक 10, 10 हो गया ना यहाँ पे, 10 से एक तो आगे चला गया यहाँ पे और यहाँ पे जीरो बच गई, तो जीरो में 9 प्लस किया तो 9 ही आ गया हमारे पास। अब आगे चलो 9 और 9 18, 18 से 8 रह गया, एक आगे चला गया, डॉट लगा दिया, 18 से 8 रह गया, 8 और एक 9, 9 और 9 18, 18 से फिर 8 रह गया, यहाँ पे एक आगे चला गया, 8 रह गया, 8 और 5 13, 13 से 3 तो यहां मिल गया और ये जो एक है वो यहां पे लिख दिया। अब आप देखेंगे 3 और एक 4, 4 और 5 9, 9 और एक 10, 10 हो गए यहां तक, तो 10 से एक तो आगे चला गया, 0 रह गया हमारे पास और 0 में 2 प्लस किया तो 2 ही आ गया, 2 और एक 3, 3 और 3 6। अब यहां पे आगे 0 लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, नहीं तो फिर ये एक डॉट बचा हुआ, यानी कि हमें एक ही मिला है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको जो जोड़ है वो आपका 10 के 10 से लेके और 19 तक रहेगा, उससे आगे बड़ा नहीं चलेगा, वहीं पे आपको बार बार मतलब उसको जो पूर्व वाले में एक अधिक कर देंगे, और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक डॉट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसी तरह से अगर एक और प्रॉब्लम देखें हम, अब की बार थोड़ी सी और बड़ी कैलकुलेशन ले लेते हैं। अगर हमें इसको प्लस करना पड़े तो हम देखो किस तरह से करेंगे, फिर उसी तरह से यहां पे 5 और 5 10, 10 से यहां पे डॉट लगा दिया, 10 से यहां पे हमने डॉट लगा दिया, 0 रह गया हमारे पास, 0 से 3, 3 और 2 5, 5 और 9 14, 14 से 4 और यहां पे हमने डॉट लगा दिया। अब आप देखें 4 और 1 5 और 9 14, 14 से 4 मिल गया, डॉट यहां पे लगा दिया, 4 और 6 10, 10 से जीरो मिल गया, डॉट यहां पे लगा दिया, जीरो से 6, 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 से 4 और डॉट यहां पे लगा दिया हमने, यहां पे हमने डॉट लगा दिया। अब 9 और 1 10, 10 तो यहां पे हमने डॉट लगा दिया, यहां पे हमारे पास कितने हैं, जीरो रहेगी, 0 और 7 से 7, 7 और 1 8, 8 और 7 15, 15 से यहां पे डॉट लगा दिया, 5 रह गया, 5 और 9 14, 14 से 4 रह गया, यहां पे डॉट लगा दिया, 4 और 1 5, 5 और 8 13, 13 से 3 डॉट यहां पे लगा दिया, 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 8 12, 12 से 2 मिल गया, डॉट यहां पे लगा दिया, 2 और 1 3, 3 और 8 11, 11 से 1 मिल गया, डॉट यहां पे लगा दिया, 1 और 1 2, 2 और 9 11, 11 से 1, 1 यहां पे डॉट लगा दिया, 9 और 2 11, 11 से 1 डॉट लगा दिया, 1 रह गया, 1 और 1 2, 2 और 9 11, 11 से 1 मिल गया, यहां पे डॉट लगा दिया, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 से 1 यहां लगा दिया और ये 0।
अब यहां पे एक दो और तीन, तो ये हमारे पास तीन आ गया। तो इस तरह से भी आप जोड़ कर सकते हो। तो ये आपको प्यारे बच्चों शुरू में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन जैसे ही आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसमें मजा आने लगेगा। तो प्यारे बच्चों हमने देखा कि किस तरह से हम एकादिक हीन पूर्वेन सूत्र का जो प्रयोग है, क्या इसका मीनिंग है, और इससे इसका प्रयोग हम अगली संख्या प्राप्त करने में करते हैं, और किस तरह से इसका जो प्रयोग है वो जोड़ में हम कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।